माँ बंगलामुखी जी के सिद्ध स्थल माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्बापिन चौक में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में माँ बंगलामुखी धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की देखरेख में हुआ। सर्वप्रथम मुख्य यजमान सौरभ अरोड़ा से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। मां बंगलामुखी जी के निमित्त भी माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डाली गई। हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए माँ भक्तों से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान श्री राम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले माता पिता और गुरु के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। माता पिता के आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि वह साधारण को भी असाधारण योग्यता और सम्मान दिला सकती है। भगवान श्री गणेश जी प्रथम पूज्य बने, ये भी माता पिता का आशीर्वाद से ही संभव हुआ। नवजीत भारद्वाज ने इस बात पर विशेष बल दिया कि इस दुनिया में माँ की ममता और पिता की सुरक्षा की कोई बराबरी नहीं। इस अवसर पर रोहित भाटिया, राकेश प्रभाकर, अजीत कुमार, नवदीप, बलजिंदर सिंह, समीर कपूर, अमरजीत सिंह, बाबा जोशी, नवदीप, उदय, गुलशन शर्मा, अश्विनी शर्मा, धूपवाले, मुनीश शर्मा, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विवेक शर्मा, श्यामलाल एडवोकेट, राजकुमार, अभिलक्ष्य चुग, सुनील, राजीव, कपिल, राजन शर्मा, अनुज, प्रिंस ठाकुर, बलदेव सिंह, गौरी, केतन, अवतार सैनी, रिंकू सैनी, राकेश महाजन, धर्मवीर सिंह, अनीश शर्मा, दिनेश शर्मा, अजय मल्होत्रा, अजीत साहू, प्रवीण, भारत भूषण, दीपक, अनीश शर्मा, साहिल, सुनील जग्गी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माँ बंगलामुखी जी। आज माँ बंगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर दे विच आज सप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया श्रृंखलाबद्ध। इस दे नाल नाल ही मैं दसना चाहना कि सानू दोबारा तो जिहड़ा करोना आ गया है उहदियां प्रिकॉशनां लैणियां चाहीदियां है और महामाई की कृपा के नाल जिदा अगे असीं इस रोग नूं दूर किया है ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਵਯ ਮਹਾਮਾਈ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ ਮਹੰਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਰਵਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਗਣ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ।